हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्य समाज मैरिज और उसका प्रोसीज़र। आर्य समाज मैरिज क्या होती है, इसका क्या प्रोसीज़र है, इंडियन लॉ में ऐसी मैरिजेस को कितनी मान्यता मिली हुई है। पिछले कई दिनों से मेरे बहुत से व्यूवर मुझसे पूछ रहे थे कि आर्य समाज मैरिज क्या होती है। यही रीज़न है कि आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आर्य समाज मैरिज के बारे में आपने सुना ही होगा, पर अक्सर लोग कोर्ट मैरिज और आर्य समाज मैरिज में कंफ्यूज होते हैं। कोर्ट मैरिज के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आर्य समाज मैरिज किस तरह कोर्ट मैरिज से अलग होती है। आर्य समाज मंदिर के अंतर्गत जो भी मैरिजेस कराई जाती हैं वो आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 में दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कराई जाती हैं। आर्य समाज मैरिज हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन सभी के लिए सुटेबल है और उनके लिए भी हैं जो अदर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लाइक हिंदू एंड क्रिश्चियन, वो भी अपनी मैरिज से कन्वर्जन करा के आर्य समाज मैरिज को करा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस प्लेस है जो भारत में मैरिज के लिए बहुत ही यूज़फुल प्लेस है। इसके द्वारा कराई गई मैरिज बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट और हिंदू रीति रिवाजों के साथ निभाई जाती हैं। आर्य समाज आम तौर पर विवाह कराते समय पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं और इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। इस सर्टिफिकेट के पूरे इंडिया में मान्यता प्राप्त है, ये पूरी तरह से लीगल और वैलिड माना गया है। एक बार आर्य समाज में मैरिज कर लेने के बाद ये आपकी शादी का पक्का और लीगल प्रूफ बन जाता है और इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैरिज कराने से पहले आर्य समाज मंदिर में नियुक्त अधिकारी दोनों पक्षों की पूरी जानकारी लेते हैं कि दोनों पक्ष विवाह के योग्य हैं या नहीं और उनकी मैरिज दोनों की सहमति से हो रही है या नहीं। आर्य समाज मंदिर सिर्फ उन्हीं की मैरिज कराते हैं जो पूरी तरह से वैध हैं। दोनों की आयु के प्रमाण पत्र देखे जाते हैं और साथ ही ये भी देखा जाता है कि दोनों में से कोई एक विवाह के अयोग्य तो नहीं है, लाइक वो अंडर एज ना हो या उसकी शादी कोई जबरदस्ती से ना करा रहा हो। इस तरह के हिंदू विवाह के लिए जो भी बातें रिक्वायर्ड हैं उनको पूरा करते हुए आर्य समाज मंदिर विवाह संपन्न कराता है। आर्य समाज मंदिर इन सभी बातों की पुष्टि करने के बाद अपने रजिस्टर में इनकी एंट्री करता है। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है। इस सर्टिफिकेट के जरिए आप मैरिज को बाद में रजिस्टर भी करा सकते हैं। आर्य समाज मंदिर के बारे में एक जानने वाला तथ्य यह भी है कि मई 2013 में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करने के दौरान राज्य में आर्य समाज मंदिरों के लिए एक गाइडलाइन भी तैयार की। अपने फैसले में जस्टिस एनके मोदी ने कहा कि कई लड़कियां किशोरावस्था में ही अपने घर छोड़कर भाग जाती हैं और आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेती हैं, जिससे उन्हें आसानी से अपनी मैरिज का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। बिना माँ बाप की सहमति के और उन्हें बिना सूचना दिए होने वाले इस विवाह के कारण समाज में काफ़ी परेशानियाँ उत्पन्न होने लगी हैं। इसी वजह से हाई कोर्ट ने ऐसी शादियों के नियम कड़े कर दिए हैं। अब आर्य समाज मैरिज को कराना आसान नहीं होगा। इस गाइडलाइन के अनुसार मैरिज कराने के 6 दिन पहले लड़का और लड़की के पेरेंट्स को सूचना देनी आवश्यक होगी। इसके साथ संबंधित थाने में भी सूचना देनी जरूरी है। आर्य समाज मंदिर में मैरिज कराने से पहले लड़का और लड़की से रिटर्न में स्वीकृति लेनी होगी कि वो अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं और साथ ही यह भी तय करना होगा कि मैरिज के टाइम दोनों के परिवार में से कम 5-5 परिजन वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। परंतु ये गाइडलाइन पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही लागू हुई है।
दिल्ली और NCR में अभी भी पुराने ही तरीकों से ये विवाह कराए जाते हैं। तो ये हमने जाना आर्य समाज की इम्पोर्टेंस और गाइडलाइंस। अब इसके बारे में जानते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले दोनों की तरफ से एक एक एफिडेविट तैयार किया जाता है, जो कि अटेस्टेड होना चाहिए मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराते हैं तो रजिस्टर एंट्री होनी बहुत ही ज़रूरी है, और उन एफिडेविट पर उनका एंट्री नंबर भी मेंशन होना चाहिए। सेकंड नंबर पर बात करते हैं उनके एज प्रूफ की। दोनों ही बालिग होने चाहिए, लड़की की एज 18 साल और लड़के की एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें कोई भी प्रूफ देना होगा, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई स्कूल का सर्टिफिकेट। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोनों का रेजिडेंशियल प्रूफ, जिसके लिए उन्हें वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। चौथे नंबर पर है कि दोनों की साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि रिसेंट में ही खिंचवाई गई हो। पांचवें नंबर पर है कि उनके लिए दो दो विटनेस की ज़रूरत होगी, लड़का और लड़की दोनों की तरफ से दो दो विटनेस होने बहुत ज़रूरी हैं, और वो भी उनकी आईडी प्रूफ के साथ, और उनकी दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर छः पर बात करते हैं अगर दोनों में से कोई डाइवोर्सी है तो उन्हें कोर्ट से ग्रांट की गई डाइवोर्स की सर्टिफाइड कॉपी भी सबमिट करानी होगी। सातवें नंबर पर बात करते हैं अगर दोनों में से कोई एक विडो है तो अपने स्पाउस की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी उसे सबमिट कराना होगा। अगर आपका पार्टनर इंडिया के बाहर से बिलोंग करता है या किस वो दूसरी कंट्री में रहता है तो उसे अपनी कंसर्न एम्बेसी से एक NOC सर्टिफिकेट इशू कराना होगा और वैलिड वीज़ा की कॉपी भी सबमिट कराना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमने बात की आर्य समाज मैरिज और उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आप इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी मैरिज हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार करा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना आर्य समाज मैरिज के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।